Hello students, I'm Zuba'r Saifi and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English. आज मैं explain करूँगा एक poem जिसका नाम है The Tables Turned जो लिखी है William Wordsworth ने. इस poem को William Wordsworth ने लिखा था 1798 में और इसे publish किया गया था lyrical ballads में. ये poem एक simply idea है आपके poet का. आपके पोएट का मानना है कि नेचर जो है वो किताबों से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कराती है और वो अपने दोस्त को एडवाइस करते हैं कि आप इन बैरन लीव्स को छोड़ दीजिए. जी हाँ, इस पोएम में आपके पोएट जो है वो किताबों को मेटाफोरिकली कहते हैं कि वो बैरन लीव्स हैं, यानी सूखी पत्तियाँ हैं जो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाने वाली है. आपको सारी नॉलेज नेचर की गोद में जाकर मिलेगी. सो कुछ और बात थी आपसे करने के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि हम इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं कुछ नॉवेल्स या न्यूज़पेपर्स, लेकिन उनकी लैंग्वेज हमें हार्ड लगती है. तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है अमेज़न का, जहाँ पर मेरी फेवरेट कुछ लव स्टोरीज़ हैं जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हैं. अगर आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है तो आप इन नॉवेल्स से कर सकते हैं. बहुत सस्ती भी हैं, 100 से 150 रुपये तक के बीच की हैं सारी की सारी, आप खरीद सकते हैं. चलिए मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद. ये जो पोयम है द टेबल्स टर्न्ड, इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बताते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को इस बात का 100% यकीन है कि आपकी जो किताबें हैं उससे बेहतर टीचर नेचर है. विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं वो रोमांटिक एरा में सिनोनियम्स हुआ करती हैं, जहां पर वो एक रेवरेंशियल इम्पॉर्टेंस देते हैं नेचर को. उनका मानना है कि किसी भी स्टूडेंट को जो एक कमरे में बैठा हुआ किताबों से घिरा हुआ है वो उतनी नॉलेज नहीं गेन कर सकता जितनी नॉलेज वो बाहर नेचर के बीच नेचर में रहकर नेचर से गेन कर सकता है. इस पोयम का नाम टेबल्स टर्न इसीलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर स्थिति परिवर्तन होता है, यानी सिचुएशनल चेंजेस. होता यह है कि आपके पोएट का एक दोस्त है, रूममेट है, जो बैठा हुआ टेबल पर किताबों के बीच घिरा हुआ है और पढ़ रहा है. तो आपके पोएट अपने फ्रेंड से कहते हैं कि छोड़ दो इन किताबों को और नेचर की गोद में जाओ और नेचर से सीखो. उल्टा इनका दोस्त ही इनसे कहता है आपके पोएट से कि तुम क्यों बाहर घूम रहे हो, क्यों नहीं तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों नहीं तुम अंदर आते और किताबें पढ़ते और अपना कंसंट्रेशन किताबों को पढ़ने और सीखने में लगाते. अब हम इस पोयम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. अप अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल. अप अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल. द सन अबव द माउंटेन्स हैड अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो. पोएट अपने फ्रेंड से कहता है अप अप माई फ्रेंड, उठो मेरे दोस्त उठो, एंड क्विट योर बुक्स और अपनी किताबों को बंद करो, छोड़ दो अपनी किताबों को. और श्योरली, और मैं दावा कर सकता हूँ, यू विल ग्रो डबल, तुम्हारी जो उन्नति होगी वो दुगनी होगी. यानी अगर तुम किताबें छोड़ दोगे और नेचर के बीच में जाओगे तो तुम्हारी जो उन्नति होगी वो दुगनी रफ्तार से होगी. अप अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, उठो मेरे दोस्त उठो और अपने लुक्स को अपने नज़रियों को साफ करो. वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो. टॉयल कहते हैं मेहनत, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना. क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो, क्यों इतनी परेशानियाँ उठा रहे हो किताबें पढ़कर. द सन अबव द माउंटेन्स हैड, जो सूरज है वो पर्वतों के शिखर पर है. अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, और प्रदान कर रहा है फ्रेशनिंग तरोताज़ा. लस्टर कहते हैं चमक को, मेलो सुहावनी, एक सुहावनी चमक वो हमें दे रहा है. थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड, और चारों तरफ हरे भरे मैदान फैले हुए हैं. हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और हो क्या रहा है, एक खूबसूरत शाम है जो जिसमें पीलापन है, जो येल्लो हो रही है किससे, सूरज की किरणों से. तो वो कह रहा है कि उठो और नेचर के पास जाओ, तुम कहाँ इन किताबों के चक्कर में पड़े हुए हो. आगे सुनिए. बुक्स दिस आर डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, कम हियर द वुडलैंड लिनेट, हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट.
and hark how bleed the throstle sings. He too is no mean preacher. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. Poet कह रहे हैं, books, ये जो किताबें हैं, these are dull and endless strife. ये बड़ी नीरस हैं और इनका कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष है. किताबों का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है, यानी ये बोरिंग चीजें हैं. Come, आओ, hear the woodland linnet. और सुनो, किसको? Woodland यानी कुंज, उपवन में रहने वाली linnet को. Linnet एक बर्ड का नाम है, पक्षी होता है एक linnet. How sweet his music. कितना मधुर गाता है ये गाना. Linnet पक्षी जो है कितना मधुर गाना गाता है. आओ इसे सुनो. On my life there's more wisdom in it. On my life, ये पक्षी मेरे जीवन के संघर्षों के बारे में कितना मधुर गाना गाता है. There's more of wisdom in it. और तुम्हारी किताबों से ज़्यादा बुद्धिमता इस गाने के अंदर मिलेगी तुम्हें. And hark, और सुनो. Hark का मतलब होता है सुनना. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होती है, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं पोएट्स इस hark वर्ड को. And hark, और ध्यान से सुनो. How bleed the throstle sings, कि कितनी प्रसन्नचित होकर. ब्लिथ का मतलब होता है प्रसन्न होना. द थ्रॉस्टल सिंग्स, देखिए कितनी प्रसन्नचित होकर थ्रॉस्टल गाना गाती है. थ्रॉस्टल एक गायक पक्षी होता है जो सिर्फ गाने गाता है. ही टू इज नो मीन प्रीचर, वो भी कोई उपदेशक नहीं है, उसका मकसद भी उपदेश देना नहीं है. कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, बाहर आओ, आगे बढ़ो और इन वस्तुओं की, इन चीज़ों के प्रकाश के नीचे आओ. लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को अपना टीचर बनने दो. ठीक है, यानी प्रकृति को अपना टीचर बना लो. इन शुरुआती लाइनों की अगर हम समरी निकालें तो आपका पोएट ये नोटिस करता है कि उसका दोस्त जो है वो सिर्फ पढ़े जा रहा है और वो आपके जो पोएट हैं वो अपने दोस्त को कहते हैं कि रुक जाओ, रट्टे मारना बंद करो किताबों का. वो उसे वार्न करते हैं कि अगर तुम ऐसे ही किताबों के रट्टे मारते रहे तो तुम ओबीज हो जाओगे. ठीक है, और अगर तुम ऐसे ही दड़बे में बंद रहे एक कमरे में स्टडी करते हुए तो तुम अपने ना शारीरिक नुकसान पहुंचाओगे अपने आप को, बल्कि मानसिक भी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आप अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे होंगे. जो पोएट है आपका वो पॉइंट आउट करता है कि जो स्टूडेंट है आजकल वो उस वंडर को, उस चीज़ को, उस अचंभे को, उस जॉय को मिस कर रहे हैं जो एक्चुअल में उन्हें मिल सकती है बाहर की सीनरी में, बाहर की इमेजरी में जब आप माउंटेन्स के बीच में सूरज के नीचे नहाते हैं, जब आप हरे भरे मैदानों को देखते हैं और उन हरे भरे मैदानों की खूबसूरती को अपने मन में उतारते हैं. आजकल क्या हो रहा है कि हमने अपने आप को नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत अलग कर लिया है, बिल्कुल किनारे पर लग गए हैं. आजकल के चिल्ड्रंस एंड स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग से बहुत दूर कर लिया है. इस सिनेरियो में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंश्योर करना कि बच्चों को टाइम पर नेचुरल इन्वायरमेंट्स के आसपास विजिट कराया जाए ताकि वो थोड़े से सेंसिटिव हो सके नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर. इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे कि गार्डनिंग या किसी नेबरहुड के पार्क में जाना बच्चों को स्टडी में मदद पहुंचा सकता है. ये इस तरह का समराइज है ठीक इस पोएम की अब तक की लाइनों का. आगे की लाइनें पढ़ते हैं पोएम की जो और भी इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं. शी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ आर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ्ड बाय हेल्थ ट्रुथ breathed by cheerfulness. One's impulse from a vernal wood may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can. In lines में William Wordsworth strongly reiterate करते हैं कि nature जो है वो ज़्यादा wisdom ला सकती है, nature जो है वो आपको healthy बना सकती है, nature जो है वो आपको खुश कर सकती है, वो आपको cheerful बना सकती है. क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी स्टूडेंट की हेल्थ जो है ठीक है, और जो उसका जॉय है, जो उसका इनेट जॉय है, उसे हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं एक तरह की रैट रेस में. हम उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में झोंक रहे हैं और टॉप ग्रेड्स लाने के लिए उसके जो इनेट जॉय होते हैं या जो उसकी हेल्थ होती है वो हम लोग उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं.
नेचर जो है वो इस तरह के जो इफ़ेक्ट हैं स्टूडेंट्स के ऊपर उनको सूद कर सकती है और स्टूडेंट को मदद कर सकती है ये सोचने में कि वो किस तरह से ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ और ज़्यादा गहराई से चीज़ों को ले सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना है कि जितना ज़्यादा समय स्टूडेंट नेचर के बीच में बिताएंगे तो नेचर उतना ही ज़्यादा उन्हें सिखाएगी किसके बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, गुडनेस अच्छाई के बारे में, साथ साथ वो उन्हें इविल के बारे में भी बताएगी कि इविल से किस तरह बचा जाए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी ये किसी भी बुकिश लर्निंग से, किताबों के अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट होंगी। लाइन से सुनते हैं इस चीज़ को कि शी हैज़ अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ। पोएट कहते हैं कि शी हैज़ अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ। शी यहाँ पर नेचर के लिए आ रहा है कि नेचर के पास पहले से ही तैयार धन है जो वो दे सकती है किसे, आर माइंड्स, हमारे दिमाग को एंड हार्ट्स, और हमारे दिल को टू ब्लेस करने के लिए। यानी नेचर के पास पहले से ही इतना धन है, इतनी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को और हार्ट को ब्लेस कर सकती हैं। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीड बाय हेल्थ, ट्रुथ ब्रीड बाय चेयरफुलनेस। जी हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बुद्धिमत्ता सिर्फ दिमाग के लिए है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस चलने वाली क्रिया है। बुद्धिमत्ता का मतलब आपकी अच्छी हेल्थ से भी है, और बुद्धिमत्ता का मतलब सच है, और सच आपको चीयरफुल करता है, सच आपको खुश करता है। और ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ नेचर आपको सिखा सकती है। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। एक इम्पल्स यानी एक उत्तेजना, एक उमंग, कहाँ से, वर्नल वुड, वर्नल कहते हैं बसंत, बसंती। एक उत्तेजना जो आ रही है किसी एक ऐसे उपवन से जो बसंत से खिला हुआ है, यानी खिले हुए उपवन से जो एक उत्तेजना निकल कर आती है, मिट टीच यू मोर ऑफ मैन, वो तुम्हें सिखा सकती है ज़्यादा आदमी बनना। ठीक है, यू मोर ऑफ मैन का मतलब क्या है कि जो इंसान की जो लिमिट है, जहाँ तक वो किताबों से सीख सकता है, उस लिमिट से ज़्यादा इंसान आपको नेचर बना सकती है। ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, आपको वो नैतिकता का पार्ट पढ़ा सकती है, चाहे वो इविल का हो या वो गुड का हो, कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कैसे बचना है, सब कुछ। देन ऑल द सेजेस कैन, और ये जो नेचर आपको सिखाएगी वो किससे ज़्यादा होगा, उन सभी लोगों से ज़्यादा होगा जितना भी सेजेस आपको सिखा सकते हैं। सेजेस कहते हैं पंडितों को, यानी विद्वानों को, स्कॉलर्स को सेजेस कहा जा सकता है। तो जितने भी स्कॉलर्स आपको मिलकर कोई बात सिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा बातें आपको नेचर सिखा सकती है। इस पोएम की आखिरी 8 पैशनेट लाइन्स ये हैं, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, आर मेडलिंग इंस्टिंक्ट मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, वी मर्डर द डिसेक्ट, इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट दैट वॉचेज एंड रिसीव्स। पोएट कहते हैं स्वीट इज़ द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, कि वो जो लोर है, लोर कहते हैं विद्या, शिक्षा, वो जो शिक्षा है बहुत स्वीट है जो नेचर लाती है। आर मेडलिंग इंस्टिंक्ट, लेकिन हमारी ना एक प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट कहते हैं प्रवृत्ति को, प्रकृति को, हमारी एक प्रकृति है, हम इंसानों की एक नेचर है, किसकी, क्या नेचर है हमारी, मेडलिंग करने की, यानी कि छेड़छाड़ करने की। मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, हम क्या कर देते हैं, हम आकृतियाँ बिगाड़ देते हैं, किसकी, जो खूबसूरत आकृतियाँ होती हैं चीज़ों की। वी मर्डर टू डिसेक्ट, हम मर्डर करते हैं, हम कत्ल कर देते हैं, टू डिसेक्ट, डिसेक्ट करने के लिए। डिसेक्ट किसे कहते हैं, डिसेक्ट कहते हैं पौधों की चीड़फाड़ करना, शोध, शोध वगैरह करने के लिए, यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब आप किसी पौधे की चीड़फाड़ करते हैं तो वो डिसेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली सटायर कर रहे हैं पोएट की, हम ना प्रकृति के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, नेचर के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, अब दोबारा अपने दोस्त के पास लौटे हैं और कह रहे हैं बहुत हो गया भाई साइंस और आर्ट पढ़ते पढ़ते, कला पढ़ ली, विज्ञान पढ़ लिया, बहुत हुआ। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, बंद कर दे इन बंजर, इन सूखी हुई पत्तियों को। बैरन लीव्स क्यों कहा और किसे कहा, बैरन लीव्स सूखी पत्तियाँ, और सूखी पत्तियाँ क्या हैं यहाँ पर, किताबें, क्योंकि किताबें बनती हैं किससे, पेड़ों से। तो किताबों को मेटाफोरिकली कह रहे हैं बैरन लीव्स, कम फोर्थ, आगे आओ, एंड ब्रिंग विद योर हार्ट, और अपने साथ एक दिल लाना, दैट जो क्या करता हो, वॉचेज एंड रिसीव्स, जो देखता हो
और उसी चीज़ को ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप देखेंगे नेचर को तो आप उसे रिसीव कर लेंगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप सर्वज्ञानी हो जाएंगे, यानी कि आपको सब नॉलेज होगी। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चार काम जरूर करिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं तो आप मुझे पैट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।